जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम पढ़ेंगे समास। पढ़ ही रहे हैं, जैसा कि हम लोग समास के बारे में पढ़ ही रहे हैं कि आपको समास के बारे में बता दिया है। समास छह प्रकार के होते हैं, उनमें से आज हम दो समास के बारे में पढ़ेंगे। दो से चार पांच मिनट के अंदर हम इनको अच्छे से पढ़ के तैयार कर लेंगे। है आपका अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पूर्व प्रधान हो तथा समस्त पद पर अव्यय की तरह कार्य करता हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। जिसका पहला पद, कहने मतलब पहला पद क्या होना चाहिए, क्या हो, प्रधान हो। प्रधान मतलब जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं। जैसे दिन है, दिन में प्रति लगाया तो क्या है, प्रतिदिन मतलब लगातार आते हैं। जन्म और उसके आगे आ लगा दिया, क्या हो जाए, अजन्म, मतलब अजन्मा, जो जन्म जिसका जन्म नहीं हुआ हो। तो क्या कहते हैं, पहला पद। देखिए इसकी एक पहचान होती है, इसकी पहचान होती है। अगर आप ये शब्द कहीं दिख जाए तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा कौन सा है, अव्ययभावी समास है। कौन कौन से, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि अगर शब्द दिखते हैं आपको। जैसे भर पेट, भर में भर दिखा, ये कौन सा समास हो गया, अव्ययभावी समास। हाथों हाथ, ये क्या हो गया, अव्ययभावी समास। यथा दिखा आपको, अनु दिखा, आ लिखा, प्रति दिखा, ये शब्द कैसे हैं आपके अव्ययभावी समास। पहचानने का आसान तरीका आप याद रखिएगा, अनु, आ, प्रति, भय। और इसके बाद पहला जो सबसे अच्छा तरीका है, जिस पद का पूर्व प्रधान, मतलब पहले का जो पद हो वो क्या हो, प्रधान हो, मतलब अपने अंदर क्या उसकी वजह से परिवर्तन आता हो, उसी को क्या कहते हैं, अव्ययभावी समास। फिर अगला आता है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता, मतलब जिसमें जो बाद के पद होते हैं उसकी वजह से कोई परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। अब इसके तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह हो जाता, मतलब कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, ठीक, राजकुमार क्या हो गया, राजकुमार। अब देखें कुमार जोड़ने से क्या हो जा रहा है, अभी राजा है, राजा मतलब क्या है, किसी देश का या किसी क्षेत्र का एक राजा है, उसमें कुमार जोड़ दे, उसका मतलब क्या है, उसके पुत्र की बात आ गई, तो किसके उस परिवर्तन आया, बाद के पद के उस परिवर्तन आया। और दूसरा इसमें क्या दिख रहा है, का दिखा, में दिखा, पर दिखा, के लिए दिखा, आप ये देख रहे हैं क्या, ये कारक चिन्ह है, इनकी वजह क्या मिला, बीच में मिला यश को, भूख से, राजा की भाषा, आप ये सब देख रहे हैं, ये क्या है, कारक चिन्हों का लोप। अभी हम तत्पुरुष समास के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे इसके बाद की वीडियो में, कि हम कैसे बताएंगे कहां पे का होता है, कहां पे से होता है, राजा जिसे कहां पे के लिए होते हैं, कहां पर होता है, में होता है, ये सब बताएंगे। और क्योंकि पूछा जाता है तत्पुरुष समास के अंदर, पूछा जाता है कौन सा तत्पुरुष समास है, जैसे कर्म हो गया, अधिकरण हो गया, मतलब ये सारे क्या है, छह से सात टाइप होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये आपका तत्पुरुष ज्यादा होता है, कारण क्या है, इसमें कई प्रकार के आपके आ जाते हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, जिस समस्त पद का पूर्व प्रधान क्या हो, पूर्व प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता हो, वो क्या होते हैं आपके अव्ययभावी समास। इसमें आपकी पहचान है यथा, अनु, प्रति, यावत, हर, ये सब आपको जहां भी स्टार्टिंग में दिख जाए वो क्या कहलाते हैं, आपके अव्ययभावी समास। फिर आता है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। इस यथा दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। आप एग्जांपल देख सकते हैं, एस को प्राप्त, एस प्राप्त, भूख से मरा, भूख मरा, राजा की भाषा, राजभाषा, जग पर बीती, जग बीती, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, धर्म का ग्रंथ, धर्मग्रंथ, राजा का कुमार, राजकुमार, ये आपको दिख रहे होंगे, ये एग्जाम्पल्स है। इसके साथ ही है, देखिए अगर कहा जाए आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। जय हिंद।